साथ इस वक्त मौजूद हैं अंसार जैदी साहब के बेटे कमाल जैदी साहब, और हम आज बात कर रहे हैं जो हादसा पेश आया था पीएफ बेस के ब्रिज के पास ट्राईपॉड टैक्सी के ऊपर गिरने का, और उसी सिलसिले बात करेंगे। आप बताएं कि आपको कैसे पता चला था कि जब आपके वालिद साहब का यह हादसा पेश आया। जी, सैटरडे मॉर्निंग कोई 9:45 पे मेरे पास कॉल आई है मेरे छोटे भाई की। भाई, मैंने इसी तरीके सुना कि बाबा का एक्सीडेंट हो गया है और उनको जिन्हें हॉस्पिटल लेके गए। जिन्हें हॉस्पिटल पहुँचे हैं, वहाँ जाके मैंने देखा तो मेरे वाले साहब की डेड बॉडी मेरे सामने रख दी उन लोगों ने, जिसके सर का ऑलमोस्ट कीमा बना हुआ था। बस सिनेरियो ये था कि मेरे यार दोस्त हम लोग सारे जगह इकट्ठे हुए उनके बाबा की सारी चीज़ें करने के लिए। बहुत सारे चैनल्स वाले वहाँ पे आए हुए थे, जिनको कोई भगा रहा था, मार रहा था, आई डोंट नो वो कौन लोग। वहाँ पर रिपोर्टर्स भी मौजूद थे काफ़ी सारे। काफ़ी लोगों ने कोशिश की मुझसे, देखिए मैं मतलब वालिद का मेरे इंतकाल हुआ तो दैट टाइम आई वॉज टोटली अपसेट और मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या है, हो गया एकदम अचानक किस तरीके से हो। तो मैंने सिर्फ ये देखा कि वहाँ पर लोग उनको मार रहे थे। वो कौन लोग थे वो मेरे कोई जानने वाले नहीं थे, मेरे दोस्तों में से कोई भी नहीं था, उनको मार के वहाँ से निकाल रहे थे। चाहे क्योंकि मुहर्रम का सिलसिला था, फिर 12 मुहर्रम के बाद मैं उस जगह पे उस मकाम पे पहुँचा हूँ। इस बीच में जितनी मरतबा मेरा गुजर हो रहा था, काम वैसे ही चल रहा था, वैसे ट्रैफिक था, उसी तरीके से कोई प्रिकॉशंस इस्तेमाल नहीं किए हुए थे। कोई ये नहीं कि किसी कोई फ्लैग लगा दिया जाए या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगा दिया जाए या कोई चीज़ खड़ी कर दी जाए कि इतना बड़ा हादसा दोबारा हो सकता है। मैंने आईओ को फ़ोन किया, अदनान साहब वहाँ के आईओ थे, कि भाई आप वहाँ पे आएँ और आने के बाद जो है ना देखें यहाँ पे उसी हिसाब से काम चल रहा है। मैंने एक अदद FIR लॉन्च किया, वो क्या है उसका हुआ है। तो उन्होंने कहा जी मैं उसी वक्त आ रहा हूँ, और आते के साथ ही उन्होंने वहाँ पे सब कुछ अपना जो है मुझे दिखाने के लिए आ रहा हूँ, हाँ बंद करवा दिया, सब कुछ समेटना शुरू किया वहाँ से। समेटने के बाद वो वहाँ से शाम में उनका मेरे पास फ़ोन आया कि जी मैं इन लोगों को छोड़ रहा हूँ और ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। अब देखिए वो लेबर है, ठीक है ना, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी गरीब को वहाँ पर लॉकअप में रखूँ और उसके साथ कुछ गलत हो, क्योंकि वो उस गरीब की वजह से नहीं हुआ है, वो जो मालिक है उसकी वजह से हुआ, जिसने अपनी कॉस्ट बचाने के लिए बूम के बजाय और वो आम देसी साख्ता मशीन इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो ट्राईपॉड था उनके पास, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा लॉस हुआ। उनका कुछ लॉस नहीं हुआ, हमारा लॉस हुआ। उसके बाद मेरे पास कुछ एक दो अफराद मेरे पास घर पे हाजिर हुए, जो कि मेरे वालिद के इंतकाल से लेकर और इतने दिन तक मेरे पास कोई भी नहीं आया था, किसी ने आने के लिए। वो मेरे पास आए और उन्होंने आके मुझसे कहा कि जी आप बताइए कि आप क्या लेंगे। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप बाप मारने के जो देंगे वो मुझे बता दीजिए। उसके बाद से वो वहाँ से गायब हो गए कि जी आप केस कर सकते हैं तो केस कर लें। आईओ साहब उनका मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, केस कहाँ गया, किस तरीके से गया, कुछ नहीं पता चला। अच्छा, हमने सुना है कि आपके वालिद साहब बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक थे, बल्कि उन्होंने हमारे मुल्क के लिए भी बहुत कुछ किया, कुछ ज़रा बताएं उनके बारे में। बाबा शिया फेडरेशन हमारे पाक मुहर्रम होते हैं, जो कि 9-10 मुहर्रम को या 6 रुपये जो हमारे बड़े मजालिस हैं नश्तक पाक में जो ये निकलते हैं, उसका सारा इंतज़ाम वगैरह देखते थे। और एक उनको कुछ लगन थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, उनको आफरीन नामा और जो कि एक बड़ा एजाज़ है पुलिस जनरल की तरफ से, उनको वो आफरीन नामा मिला। इस बात का समझ नहीं आता इसको बार बार, जब हम उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास भी गए और वहाँ पर जो लोग बैठे हुए काम कर रहे थे उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंडर, वो ये कह रहे थे कि हादसा तो होते रहते, जबकि ट्राईपॉड जिस तरह आपने कहा कि उसको बूम के बगैर उसको रखा जब गया था और उसको जब हिला रहे थे तो उसको कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई वहाँ पे उसको रस्सी के साथ बांधा नहीं गया था, बस वो हाथ से चंद मजदूर उसको हटा रहे थे, जो कुछ हादसा पेश आ सकता था। प्रिकॉशंस हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, आप किसी भी काम को अगर शुरू करते हैं इतने बड़े लेवल के ऊपर तो सबसे पहले उसके लिए बजट फिक्स किया जाता है कि इतना हमारे ऊपर इस चीज़ में लगेगा, जिसमें आपके पास स्टॉपर्स रख दिए जाते हैं, रिबन लगा दिया जाता है कि जी इस एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आदमी थोड़ा सा फासले पर चलता है। जिस वक्त वो ट्राईपॉड चेंज हो रहा था उस वक्त ट्रैफिक चल रहा था, तो वो ट्राईपॉड अगर आप जाके देखें तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसको 100 आदमी भी एक वक्त में मूव कर सकते हैं। और जिस वक्त वो ट्राईपॉड गिरता है तो इट्स कवरिंग अराउंड मोर देन 1.5 रोड वो कवर करता है। उनको किसी कोई ट्रैफिक रोका नहीं गया उससे पहले, हालांकि रोक सकते थे अगर ये सब प्रिकॉशंस लिए जाते। आज ये हादसा, जिनको कहते हैं कि हादसा हो जाते हैं, ऐसा हादसा नहीं पेश आता, कभी भी पेश नहीं आता। और मैं सिर्फ यही कहूँगा, देखें मैं ठीक है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, आज मेरे साथ हुआ है, कोई भी मदद के लिए नहीं आया मेरे पास, किसी ने भी आके मेरे सर पे हाथ नहीं रखा। मेरे वालिद की जो खिदमत थी इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, बेहतरीन शहरी होने की, वो सब कुछ भी कोई चीज़ काम नहीं आया आपके।
ये चीज़ जो है वो अगर चलती रहेगी इसी तरीके से होती रहे। मेरी उनसे जंग सिर्फ ये है कि उन्होंने अपनी कॉस्ट बचाने के लिए किसी की ज़िंदगी से खेला, विच इज़ नॉट गुड, जो कि अच्छा नहीं है। आप अगर काम कर रहे हैं तो अच्छे लेवल पे काम करें, अच्छे पैमाने पे काम करें, दूसरे की इज्जत, दूसरे की ज़िंदगी को बचाते हुए काम करें जो भी आप काम कर रहे हैं। और उसके लिए अच्छा रिक्वेस्टिंग चीफ जस्टिस साहब, माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों की खुद उनके पास जो भी कंप्लेंट्स जा रही हैं वो खुद देख रहे हैं उस चीज़ को, जिस तरह उन्होंने अभी विजिट्स भी किए अपने। तो आई एम रिक्वेस्टिंग हिम के काइंडली हेल्प मी, क्योंकि यहाँ कोई मदद का कार नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है इस मुल्क में, कोई पुरसाने हाल नहीं है, आप जिसके पास चले गए। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, सो काइंडली ही कैन हेल्प, काइंडली हेल्प। ये जो मौजूदा हादसा आप रेफर कर रही है, कोताही का ही नतीजा है। हाँ, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को चाहिए और कि वो अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को पाबंद करें, और जो दुनिया भर के ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, उस पर हमें अमल दरामद करना चाहिए। हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी है कलंदर बख्श में, लेकिन वहाँ पर कोई भी इस वक्त मौजूद नहीं है।